What's up guys, welcome back to my channel once again। अगर आप अपना Facebook पेज कोई भी चलाते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने Facebook पेज पर जो भी वीडियो वगैरह डालते हैं वो एक्चुअली में थोड़ा अच्छा से ग्रो कर सके, टाइटल थंबनेल या फिर आप अपना उसमें डिस्क्रिप्शन या फिर टैग कैसे लगाएं, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा Facebook से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हो उसमें ज़्यादा व्यूज काउंट करने के लिए कैसे कैसे डिस्क्रिप्शन टाइटल्स या फिर आप अपने थंबनेल को डाल के आप अपने व्यूज पा सकते हैं, राइट। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो ऑल राइट, सिंपल चलते हैं फेसबुक पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपने जाना है प्रोफाइल पे। यहाँ पे प्रोफाइल पे आपने टैप कर लिया एंड मैं न्यूली अभी फेसबुक पेज पे आया हूँ, तो मेरा एक्चुअली लिमिटेड यहाँ फॉलोवर्स है एंड एक बंदे को मैं फॉलोइंग कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से आपका जो है ना फाइनल एक डैशबोर्ड बन के आएगा एंड यहाँ पे आपका जो भी वीडियो वगैरह है, जो भी रिसेंट में आपने डाला है, वो आपका एक्चुअली में व्यूज़ यहाँ पे काउंट करेगा। अभी क्या होता है कि अगर आपका फेसबुक नया पेज है तो बहुत मुश्किल है कि आपका पेज जल्दी से ग्रो कर सके, बट अगर अपने पेज को जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, सर्कल में जो भी है उसको आप अपना लिंक शेयर करके ग्रुप्स में अब ज़्यादा व्यूज आप पा सकते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये वीडियो एक्चुअली में अपलोड किया एंड इस वीडियो को मैं अपना चाहता हूँ फिर से एडिट करने के लिए। सिंपल यहाँ पर आप एडिट के सेक्शन पर टैप कीजिएगा एंड यहाँ पर आप अपना टाइटल डालिएगा, जो भी वीडियो से रिलेटेड टाइटल है ना आप उसको टाइटल डाल दीजिए, या उसमें आप हैशटैग लगाना चाहते हैं हैशटैग यहाँ पे आप फेसबुक कर दीजिए, राइट। यहाँ पे आप फेसबुक पेज कर दीजिए, यहाँ पे एक बार और हैशटैग लगा लीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए न्यू वीडियो कर दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए न्यू वीडियो पोस्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप डाल दीजिए वायरल, जो कि जो की मतलब चीज़ें है ये जो जल्दी ज़्यादा आपकी वीडियो को ये परफॉर्म अच्छा करता है, राइट। इतना होने के बाद में आपको अपनी वीडियो को सिंपल क्या करना है, इसको आप सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे ना आपका जो भी वीडियो से रिलेटेड इसमें होगा ना आपका सारा का सारा चीज़ें यहाँ पर शो करेगा। अब ऑप्शन आता है बूस्ट करने के लिए। बूस्ट उसके लिए होता है कि अगर आपका वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता एंड चाहते कि आप बूस्ट व्यूज़ लाने के लिए, तो सिंपल आप यहाँ से भी आप बूस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जैसे मेरा 490 लोगों के बीच में रीच किया है, 7 लोगों के बाद पोस्ट इंगेजमेंट है, दो पर लिंक पर जो है क्लिक हुआ है, इतना हुआ है। अगर आपको ज़्यादा व्यूज चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इस पर आप जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है उसको आप पिक कीजिए एंड यहाँ पे आइए बूस्ट पोस्ट नाउ कीजिए। यहाँ पे 83 रुपीज़ अगर आप पर डे खर्चा करेंगे आपका 2.5K से लेकर 7.2K पर डे आपका वीडियो जो लोगों के बीच में टारगेट करेगा एंड कितना व्यूज आएगा, कितना सब्सक्राइबर आएगा, फॉलोवर आएगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप कितना एडवर्टाइज कराते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कराएंगे यहाँ पर आपका कुछ GST अमाउंट लगेगा एंड ये पर डे होगा। अगर आप 1 डे से ज़्यादा आना चाहते हैं, 2 डे 3 डे 4 डे, तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपका 415 डेज का रहेगा, 415 रुपीज़ का होगा और ये 5 डेज आपका रैंक करेगा एंड आपका वीडियो जगह जगह पे आपका शो करेगा, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर आपका आपके ग्रुप पे होगा या नॉर्मल फेसबुक होगा उस पर आपका आएगा। यहाँ से आप जैसे बूस्ट पोस्ट नाउ कीजिएगा यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगेगा कार्ड का, उसको आपको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद में फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करके आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हो गया। आप जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया थंबनेल डालना है तो कैसे आप थंबनेल वगैरह पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा टैग डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल डिस्क्रिप्शन एक अच्छा थंबनेल डाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। स्टंट कोई भी वीडियो डाउनलोड करते वीडियो अपलोड करते उस पर आप थंबनेल डालिए, क्योंकि विदाउट थंबनेल जो है ना आपका वीडियो ज़्यादा रैंक नहीं कर पाता है। तो आई होप कि फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो का आप अपलोड कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप काउंट करने की कोशिश कीजिएगा।